हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना प्रॉपर्टी अपनी की। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 2 BHK का लग्जरी फ्लैट जो कि हाई राइज में होने वाला है, लग्जरी सोसाइटी में होने वाला है। और बात करें अगर इसकी एरिया की तो 1270 स्क्वायर फिट में आपको ये 2 BHK का जो है वो फ्लैट देखने को मिलता है। इसकी मैं खास बात अगर आपको मैं बताऊं तो जो हमारे पास अभी इन्वेंट्री है वो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर की इन्वेंट्री ही बची है, बाकी यहाँ पे सारा सोल्ड आउट हो चुका है। आप देख रहे हैं मैं अभी ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया में खड़ा हूँ, जिसकी अगर मैं साइज की बात करूँ, एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पे जो इसका एरिया है वो 20x11 का है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना आराम से एल शेप साइज का सोफ़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल लगी हुई है, डाइनिंग टेबल के साथ ही आपका यहाँ पे किचन मिलता है जो कि काफ़ी खुला डुल्ला और अच्छा स्पेसियस किचन आपको देखने को मिलता है। साथ में बात करें अगर किचन की साइज की तो जो यहाँ पे किचन का साइज है वो 10.5x7.5 का एक बहुत ही स्पेशियस किचन है। साथ में बात कर लें यहाँ पे सारी कबर्ड्स की, ड्रॉर की, तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी एक स्पेस वाला हमें कबर्ड देखने को मिलता है। बात करें इस एरिया की तो यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाता है, यहाँ पे फ्रिज के लिए आपको दिया गया है। बात कर ले किचन से व्यू की तो आप देख सकते हैं पार्क फेसिंग व्यू है, मतलब आप किचन में काम करते करते जो है वो पार्क का भी आनंद ले सकते हैं। साथ में बात कर लेते हैं इस अपना डाइनिंग टेबल के साथ ही, जो डाइनिंग एरिया है उसी के साथ ही यहाँ हमें बालकनी मिलती है जो कि 5 फीट वाइड बालकनी है। आप देख सकते हैं काफ़ी खुला डुल्ला पार्क फेसिंग बालकनी मिलती है। साथ में ये जो हमारा पहला बेडरूम है इसके साथ भी हमें यहाँ पे बालकनी का एंट्रेंस मिलता है, एक हमें यहाँ पे ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया से प्लस एक दूसरा जो हमारा रूम है यहाँ से मिलता है। और बालकनी भी हमारी काफ़ी खुली डुली एल शेप की बालकनी आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने बेडरूम की, तो बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ तो 11.5x13.5 का हमारा बेडरूम है जो कि काफ़ी एक स्पेसियस और बड़ा सा बेडरूम देखने को मिलता है। साथ में बात करें इस रूम में तो आपको यहाँ से भी पार्क व्यू आपको देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे एक विंडो दी गई है, यहाँ से भी हमें पार्क का व्यू आता है। साथ में अगर बात कर लूँ कोई घर में आपका स्टडी के लिए बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पे स्टडी का भी एक छोटा सा स्पेस दिया गया है, यहाँ से स्टडी भी बंदा अपना टेबल लगा के कर सकता है। साथ में बात करें कबर्ड वगैरह की तो देख सकते हैं ये बिल्कुल दीवार में बिल्कुल फुल साइज का आपको कबर्ड मिलता है और कबर्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस कबर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में बात कर लेते हैं अपने फॉल सीलिंग की तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा एक डिजाइन का फॉल सीलिंग आपको देखने को मिलता है। बेड वाली साइड आपको काफी अच्छा एक 3D डिजाइन का वॉलपेपर देखने को मिलता है। साथ में बात कर लेते हैं जो ये वाला दरवाजा है मैंने आपको दिखाया था कि हमारा ये इसका एंट्रेंस डायरेक्ट बालकनी में मिलता है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि रूम में आपको वेंटिलेशन की कभी कमी नहीं होगी, हर साइड से आपको एयर आराम से आने जाने की यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई है। साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पे वॉशरूम, तो जो ये हमारा वॉशरूम है ये अटैच वॉशरूम है हमारा डाइनिंग प्लस ड्राइंग एरिया के साथ और जो हमारा ये वाला पहला बेडरूम था इसके साथ। बात करें इसकी साइज की तो 8x5 का काफ़ी खुला डुला और स्पेसियस आपको यहाँ पे जो है वॉशरूम मिलता है। फिटिंग्स की बात करें जितने सारी जो फिटिंग्स लगी है सारी जगवार की फिटिंग्स लगी है। टाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो टाइल की फिटिंग है ये टॉप तक की गई है और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे बेडरूम में और मास्टर, अब बात कर लेते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तो इसकी अगर हम साइज की बात करें तो हमारा जो साइज है 14x11.5 का बेडरूम साइज होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेडरूम है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें एक स्टोर के लिए काफ़ी अच्छी जगह दी गई है, यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा ड्रेसिंग रख सकते हैं। आपको अगर मैं कबर्ड्स वगैरह की बात करूं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से कबर्ड की फैसिलिटीज भी आपको दी जाती है और काफ़ी स्पेसियस कबर्ड मिलता है। साथ में बात कर लेते हैं अपने फॉल सीलिंग की तो आप देख रहे हैं ऊपर इसमें भी काफ़ी यूनिक तरीके का फॉल सीलिंग, पीछे बैक साइड पे आप देखेंगे तो 3D वॉलपेपर का भी डिज़ाइन दिया है। साथ में मैं बात करूं तो इस रूम के साथ भी हमें एक बहुत ही बढ़िया वाइड 5 फुट की बालकनी मिलती है, आपको प्रॉपर पार्क व्यू मिलता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं बालकनी में खड़ा हूँ, यहाँ से आपको पार्क दिख रहा है। साथ में मैं बात कर लूँ इस फ्लैट की तो इस फ्लैट में आपको हर जगह से आपको किचन से पार्क का व्यू मिलता है, फर्स्ट बेडरूम से मिलता है, सेकंड बेडरूम से आपको पार्क का व्यू मिलता है। वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छी जगह पर बना पड़ा है। बात करें अगर अवेलेबिलिटी की जो हमारे पास अभी फ्लैट अवेलेबल है वो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पर पड़े तो ज़्यादा ऊपर भी आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाई राइज फ्लैट्स हैं।
पार्क भी यहाँ पे आपको बता दूँ तो 1.5 एकड़ का पूरा पार्क है यहाँ पे, 1200 प्लस ट्री का जो हमारा कंसेप्ट है, तो बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में आपको जो है ये सोसाइटी होने वाली है। बात करें यहाँ पे, एक देख सकते हैं आप यहाँ पे मेन एंट्रेंस गेट लगा हुआ है, इसके 2 एंट्रेंस गेट मिलती है, एक उस साइड से हमें मिलती है। तो एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे 2 साइड एंट्रेंस, प्रॉपर गेटेड सोसाइटी, सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज के नाम पे। बात कर लें यहाँ पे कॉलेज हॉस्पिटल सारे आपको आसपास में मिल जाते हैं, तो किसी भी चीज की आपको जो है इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो जो इसका प्राइस है वो 37,40,000 से स्टार्ट हो जाता है। सोसाइटी बहुत अच्छी होने वाली है, तो इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा रेट होने वाला है, आपका एरिया काफी खुला डुला मिल जाता है। तो और भी आपको इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड या इस साइट के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।